लग रहा है कि साइड में गोवा वाले बीच में बैठा हुआ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन स्टॉप कुकिंग। आज मैं वाटरमेलन ब्रेन फ्रीजर बनाने जा रही हूँ। हमें गर्मियों में वाटरमेलन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमने लिया है हाफ वाटरमेलन, मिंट लीव्स और आधे नींबू। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मिंट भी डाल देंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप थोड़ा चीनी भी डाल दीजिए। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो गया अच्छे से। अब इसे हम छान लेंगे। और आप बीज की चिंता ना करें, बीज इसमें छन जाएगा। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि वेस्टेज कम हो। और गाय को खिला देंगे। हाँ अब इसमें हम आधा नींबू भी डाल देंगे। अब इसे हम रात भर जमने के लिए छोड़ देंगे। वाटरमेलन अच्छे से जम गया है। अब हम इसे फोड़ लेंगे। अब इसे ग्राइंडर में डाल लेंगे। बस उस तक अभी तक नहीं हुआ एक। अरे मम्मी तो फूट ही नहीं रहा। ये हल्का ग्राइंड हो गया, इसे कटोरी में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम अपना कटा हुआ वाटरमेलन भी डाल लेंगे और पुदीने का पत्ता। रेडी, तो चलो खा के देखो। हाँ तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। इतना सुंदर है, ख़राब करने का भी मन नहीं हो रहा। एकदम सनसनी ही चढ़ गई। अब समझ में आया इसका नाम ब्रेन फ्रीजर क्यों है। गाइस नो जोक, ये आपकी ब्रेन को फ्रीज कर देगा अगर आप ठंडा ठंडा ज़्यादा खा लेंगे तो। नहीं, पहली बाइट से ही वैसा जैसे गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाती हो। बहुत ही रिफ्रेशिंग, ट्राई कर, है ना। तेरा रिएक्शन लेना चाहिए था। चल मम्मी को खिला। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस बाय।